दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। कैसे आप लोग, खरीद होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, और आपकी दुआ मुझको लगे, मेरी दुआ आपको लगे, मगर आपकी दुआ सबसे ज़्यादा आपकी बाजी को लगे। देखिए अभी अभी टाइम हो गया है 10:30 होने आ गया, तो मैं तो अभी रेडी हूँ। अरे हाँ, और सबसे वाली बात तो आप लोगों को जुम्मा मुबारक हो हमारी तरफ से, अभी फिलहाल तो मेरी तरफ से, बाकी तो आपकी बाजी उठेंगे तो फिर वो अपना रूटीन चालू करेंगे और फिर इसके बाद आपसे तो ज़रूर मुलाकात होगी, है क्या नहीं? ये टाइट करने का है, बराबर है, ठीक है, लो करो। चालू है, क्या हुआ? कल तू कपड़े धोया था? हाँ, इधर बता, पाइप बताओ, इधर हटो। बिस्मिल्लाह, निकल रहे हैं, 3 रुपए भेज दिया, ठीक है, जाओ सामान के जाके, चलो आओ जाके। हाँ, जुम्मा मुबारक हो। क्या? जुम्मा मुबारक हो। हाँ, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक हो। हाँ हाँ बाबा, ओके ठीक है, चलो आता हूँ मैं जाके। नमाज भारी पड़ेगी ना उधर ही? हाँ ठीक है, चलो। माही अम्मा केस में, अम्मा केस दे मारा, अभी नींद में हो, दे माँ मेरा समझा दे, मेरा हीरा दे, मेरा मोती रे, झूठे को इधर नहीं आओ, इधर आओ, कम यार, ये नहीं आ रही तुम, आओ। चलते चलते बाय ला। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। देन चले ब्लॉग शुरू करेंगे आज का। वैसे तो आपके फैयाज भाईजान ने मॉर्निंग में आप लोगों को सलाम दुआ करके थोड़ा सा आप लोगों को स्माइल करवा के निकल गए गाड़ी पे, एंड चले इसको कंटिन्यू रखेंगे हम। सो चले आप सबको फिर जुम्मा मुबारक, आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। ब्लॉग तो आपको सैटरडे को मिलेगा पता है, तो बस अभी दोपहर के कुछ 3 बज रहे हैं तो मैंने अभी इसको रीस्टार्ट किया है। सुबह खाना मैंने मतलब ज़्यादा आज मतलब हैवी नहीं बनाया, मैंने दाल चावल बनाया एंड बस पापड़ रखी हूँ, अभी तलेंगे और खाएंगे, एंड बस खाना खाने के बाद में फिर बहुत से काम है वो फिट एंड फिनिश करती हूँ। माई आ गई। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे आप सब, कैसे हो आप सब, सबको जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। चले आपके भाई जान निकल गए, धूप बहुत ज्यादा है यार, कब जाएगी ये धूप, माही कब जाएगी और बारिश कब आएगी? बारिश आएगी तो मैं ना पहली बारिश में नहीं रहने वाली। क्यों? मैं दूसरी बारिश में। क्यों पापा? आपको पता ही होगा पहली बारिश में क्या आएगा। हाँ पहली बारिश में ना सर में जुए आती है, वो मेरे को बोल रही थी, मन में सर में ना जुए भरती है, तो मैं ना सेकेंड बारिश में नहाने वाली हूँ, है ना? ऐसे कुछ ना, सेकेंड थर्ड पूरा साली ना साली दिन बाद आई है, पूरे साल बारिश आएगी तो पूरे साल में नहाएगी ना, तो बस चले। और पता है गाइस, रेनकोट पहन के स्कूल जाने का कितनी मजा आती है, स्कूल के लिए एक्साइटमेंट है, चालू होने वाली है। आज 19 हो गई, आज 19 तारीख हो गई है ऑलमोस्ट, अभी कितनी तारीख को हमारी स्कूल चालू है? 1 जून को थोड़ी, 16 जून को ना, नहीं तो 12 जून को नर्सरी और जूनियर केजी का है, 1 जून को हम लोग का स्टार्ट है। 1 जून को स्टार्ट है, मैसेज भी आ चुका है हेडफोन से, मैंने चेक भी कर लिया, तो मतलब अभी 10 दिन ही हम लोग को, मतलब हम लोग मम्मी पापा 10 दिन और परेशान रहेंगे, उसके बाद में हम लोग को सुकून है। मेरे को तो बहुत सुकून हो जाएगा, स्कूल चले जाएगा ना सुकून हो जाएगा। हाँ, मेरे को तो नहीं होगा, सब अपनी अपनी जगह पहुंच गए, वही डेली रूटीन जो पहले जैसी है, स्कूल ट्यूशन, इन लोग के कॉलेज, इन लोग का नाश्ता, इन लोग की टिफिन, एंड ये अभी तो फिर भी छुट्टी है तो मतलब सब इधर इधर हो गया, मतलब नाश्ता भी लेट हो जाता है। हाँ, स्कूल के पहले दिन मेहंदी लगाना ली। हाँ, टीचर भारी खड़ा करेगी। नहीं, टीचर भी लगा के आते, टीचर लगाते ना, बच्चे नहीं लगाएंगे, कुछ लगाते, भी बोलती है हमारी, कुछ भी बोलती है ये, मेरे फ्रेंड लग रहा है क्या आते। अच्छा
धूप कितनी है देखो ना, धूप का क्या हाल है अभी, धूप का क्या बोलूं मैं, धूप ने तो परेशान करके रखी। चलो अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा अंदर का खाना खाएंगे, फिर बर्तन धोती हूँ, थोड़े कपड़े भी मैसी है वो भी घड़ी कर लेंगे, थोड़ा सा काम है घर में, थोड़ा सा आज काम पटा लेती हूँ ना, इसलिए मैंने आज कुकिंग का कुछ बनाया भी नहीं। मैं बोली चलो आज है ना कुछ काम पटा लेंगे, काम भी करेंगे, आप लोगों से बातें भी करेंगे, क्या बोलते हैं आप लोग, सही है ना? चले फिर, चले बाय। अच्छा जी चले, फिर खाना खाने के बाद में बर्तन धोने आ गई थी, जो दोपहर के बर्तन और सुबह नाश्ते के बर्तन जो है ना, मैं दोपहर में मतलब दोपहर में साथ ही में धो लेती हूँ, अलग अलग नाश्ते के अलग, दोपहर के अलग, ऐसा नहीं धोती हूँ क्योंकि फिर दूसरा भी काम होता है ना, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, दो टाइम के बर्तन जो है ना साथ में धो लेती हूँ। और शाम में भी ऐसे करती हूँ, जब शाम में नाश्ते के बर्तन होते हैं और रात का खाने के बर्तन जो होते हैं ना वो रात में धो लेती हूँ। तो चले बर्तन वॉश कर लेती हूँ और साथ ही में, हाँ कल की वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बोला था, कल कुछ वायर सर्किट वगैरह कुछ मैंने जो आप लोगों को बताया था, तो उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे कहा कि मुझे ख्याल रखना है, और बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों ने प्यार भी दिखाया है, और अच्छा लगा कि आप लोग प्यार दिखाते हो, फिक्र करते हो, आप लोग ने अपनी फिक्रमंद भी दिखाया कि आप लोग फिक्र करते हो मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड माही के लिए अल्लाह का शुक्र है कि चले कुछ हुआ नहीं। और एक मेरी बहन ने बोला कि गर्म पानी, गर्मी में गीज़र चालू कर रहे थे, गर्म पानी नहाते, तो हाँ मेरी बहन मतलब हाँ गर्म पानी मैं नहाती हूँ, मुझे आदत है गर्म पानी नहाने की, और शायद मेरी वजह से माही भी अभी मेरा देख के गर्म पानी नहाने लग गई है, तो शायद मेरी यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है कि मतलब मुझे गर्मी में उसको गर्म पानी नहाने नहीं देना चाहिए, तो यहाँ पे मैं ख्याल रखूँगी। और मुझे आदत इसलिए है क्योंकि जब से बच्चे मतलब मेरे दोनों बच्चे जो है ना सीज़र है, उसके बाद से मैं गर्म पानी नहाने की आदत की हूँ, अगर मैं ठंडा पानी नहाती हूँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, और गर्म पानी नहाने से क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा मतलब मुझे फ्रेश फील होता है, इसलिए मैं गर्म पानी ही नहाती हूँ, तो जिसकी वजह से गीज़र जो है ना मुझे लगता ही है। और माही जो है ना वो मेरा देख के मतलब वो भी गर्म पानी नहाने लगी है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना आदत को उसकी सुधारने की कोशिश करूँगी कि वो गर्मी में गर्म पानी नहाए। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। चलिए मगरिब का वक्त होने वाला है बस, और माही देखे, माही कहाँ लेटी है बाबू, मगरिब होने वाली, चलो अंदर देखे मोबाइल लेके बैठी है बाहर, वो गद्दा बाहर, हम लोग रोज़ है ना इसको जरा बाहर रखते, अब वो वाला तो बहुत बड़ा है उसको कौन रखेगा, धूप में क्या है ना जरा गद्दे चद्दर डालने के लिए मौका नहीं मिलता क्योंकि कपड़े रहते हैं ना, वरना मैं चद्दर भी बाहर डाल दूँ रोज निकाल के, थोड़ा धूप लगती है ना कपड़ों को, मतलब अच्छे वो होते हैं, धूप लगने से बोलते हैं ना जम्स वगैरह मर जाते, तो ये गद्दा तो बस रोज ही बाहर ला के डाल देते फिर रोज अंदर लेके चले जाते। और मैडम देखो अरे क्या कर रही है, गिरती इतना बुरा, आ ऊपर आ, अभी मगरिब का टाइम है, नहीं नहीं नीचे नहीं जाना अभी, बस अभी अजान हो जाएगी आधे घंटे में, चल बाहर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना लगा ना, ये मगरिब का टाइम बच्चे कभी भी नीचे नहीं निकलना बेटा, इसलिए बोलती हूँ मैं, चलो अभी अंदर, अभी हो गया लेट के, अभी गद्दा भी अंदर लो, मोबाइल भी अंदर लो, और चलो अंदर, चलो मायनू मेरे तो चला गया वो मस्जिद में, वो आधा घंटा पहले चले जाता है मस्जिद में, ना जल्दी आ जाओ। चलो यहाँ पे मैं बना रही थी माई के लिए ना ओट्स, नाश्ते में मैं कभी कभी उसको सुबह भी ओट्स बना के देती हूँ और कभी कभी शाम में भी बना के देती हूँ, तो आज मैं उसको शाम में बना के दे रही थी। और यहाँ देखिए मीनू मैडम जो है ना, देखिए कैसा सो रही है एकदम से आके, फिर इसको चिपक के वो सो रही है, तो मीनू ऐसी रहती है घर में इधर उधर, कभी कभी रहती है कभी कभी नहीं रहती है, वो उसके मूड के ऊपर डिपेंड है उसको कब किधर रहना, तो बस वो वहाँ पे सो रही थी और यहाँ पे मैं माई का ओट्स तैयार कर रही थी। अब माही देखते ये पूरा ओट्स खाती है कि नहीं खाती है, वैसे तो सुबह में खा लेती है बट शाम में देखेंगे अभी ये खाती है कि नहीं खाती है। ये देखो फज्जू बिल्ला, देखो ना देखो बिल्ला वहां पे, मीनू यहाँ घूम रही है, वो बिल्ला यहाँ तक आया, आपके फैयाज भाई अगर आ गए, कितने बजे आए आज देखे, 9:15 आए घर पे, हाँ लेट आते लेकिन अब दो दिन से थोड़ा जल्दी आ रहे आ गया आ गया, मीनू 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 कलेक्शन, माय कलेक्शन, माय कलेक्शन डेली माय कलेक्शन, बिस्मिल्लाह जज़ाकल्ला। चलो अभी फिर भाई तो नीचे गई है, क्या हुआ क्यों हंस रहे, डांस करने के लिए करो ना डांस एक बुड्ढी क्यों बोले तुमने मेरे को फज्जू कैमरे पे, ऐसे तुम बोलते अभी कैमरे पे बुड्ढी बोल रहे मुझे, ये रुको चिपक रही है देखे, चलो फ्रेश हो जा फिर थोड़ा से कुछ लेके आए आपके फैयाज भाई जन ने, सेब है क्या,
इतने बड़े बड़े क्या हो सकते यार, आम तो नहीं है फज्जू तुम्हारी कारस्तानी। अच्छा गए बार गर्मी में हम लोग ने इतने आम नहीं खाए यार, ये क्या है लेकिन, रुको मैं खोलूँ इसको पहले। खुल गया है, ओहो क्या बात है, आम आया, आम आम है आम, माई देख के खुश हो जाएगी। पक्के लेके आए, गए बार कच्चे कच्चे लेकर आए थे फज्जू, ये तो दो तीन दिन में साफ कर देंगे, देखने लोग अभी रुकेंगे नहीं। अच्छा घर में आम आता है ना, किसके रुकते हैं मेरे को बताना, पूरे सब साफ कर देते बच्चे, रखेंगे नहीं अभी, देखना ये काटेंगे ना, ये लोग दो तीन काट देंगे अभी। हाँ छह है, क्या बोल रहे है? बादामी है क्या? ओहो हापूस आम है ये, क्या पता नहीं बाबा मैं तो नहीं खाई हापूस यार, अपन लोग तो ज्यादा बादामी खाते तो बादामी मालूम है। हापूस आम लेकर आए फज्जू, कितने का लाए? हाँ फज्जू, अच्छा ठीक है तुम बाहर आओ, चलो फिर तुम यहाँ से बात करेंगे। कितने का लाया तुमने ये फज्जू? 250 रुपए का तुम आम लेकर आए? तुम आओ जरा बाहर आओ, तुम फ्रेश हो क्या? ये देखिए आपके फैयाज भाई जन जो है ना रेडी पोजीशन में आके बैठे हैं, अभी थोड़ा लेटेंगे और थोड़ा टीवी देखेंगे रिएक्शन। ये देखो तो गाइस ए नुमे 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 आम लेके भाग रहे फैयाज, दो 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 नहीं, वो 250 रुपए का किलो है, वो 250 रुपए किलो एक के खाओ, इतना महंगा आम है वो, नहीं नहीं रख। और अक्का कभी नहीं खाने का, खाने के साथ में खाने का, मैं खाना कटिंग खाना निकालूंगी ना जब खाने के साथ खाने का, वो देखो खाने के साथ, वो देखो चला गया लेके, नहीं 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 खाने के साथ। हाँ आई 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 मैडम, आई मैडम आई, अच्छा हाँ मैं दूध लाने भेजी थी उसको फज्जू। रैकेट मांग रही है वो, अभी रैकेट वो खेलने वाला था ना, कॉक रैकेट, रॉकेट कॉक मेंटर वाला, अब वो मांग रही है। देखो वो ओट्स खाई नहीं, वो आधा ओट्स खाई हमारा की, उठा उसको ओट्स को उठा, वो ओट्स उठा किचन पे रख, पूरा नहीं खाई आधा खा के रखी है। अभी क्या हुआ देखो, बैडमिंटन, तुझे भी बैडमिंटन चाहिए? अभी पापा ने देखा आम लेके आए ना, आम खाना ले बेटा, रखो उधर पे, पापा दिला दो, मम्मा ने वादा भी करे मेरे को दिलाने के लिए। क्या बोली मम्मा ने वादा करे? भैया ये भी इमोशनल कर करके मेरे से वादे लेती हैं, ये इमोशनल कर करके, वाओ कितना लाल है यार ये, सॉरी सॉरी देख के बौखला गई मैं, वाओ माई का रिएक्शन देखो, ओ, 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 ओ। अभी रैकेट भूल जा, नहीं रैकेट क्यों भूलूंगी मैं, अभी आम खिला दिए ना पापा ने लाके, इतना मीठा वाला, 50 रुपए का आएगा। कितने का है? 50 रुपए का, तूने अभी एक आम ले लिया, खाना खाने में कुछ मिल रहा है? एक में दे देखो, एक चीप, तीसरी चीप मेरे को, इसमें देखो तीन चीप चाहिए। एक आम पूरा खाया ना? अच्छा अपन ने जो खाया ना चिप वो काउंट कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं, दो तीन चिप, दो ही चिप खा लो ना दिल भर जाएगा, फिर ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, है ना माई? लेकिन ये बच्चे लोग का तो ज्यादा ही चाहिए, मुझे खाना है इन लोग का तो, कितना भी आम दो आप लोग कम ही है ना। रैकेट मंग रही हूँ, चलो 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 खाना खा लेते फिर, है ना, चलो रैकेट चाहिए ना बैडमिंटन वाली, चल चुके सुबह फैज दिला के लाओ ना फज्जू, सुबह में दिला देंगे, सुबह रो मत, कितने की है वो मुझे नहीं पता, ठीक है दिला देंगे, सब आएंगे वो 50-100 रुपए की, चल लेने के उठा, सब फ्रेंड के पास है, तो तूने आज ही बोली ना, तो आज ही तो बोली, पहले थोड़ी बोली, अभी बोली तो बोल रही हूँ दिला देंगे करके, रोने की क्या बात है, वैसे बोलते लेकिन दिला देते मालूम है ना, जाओ कल ही चाहिए, मैंने फ्रेंड को, मैंने एक फ्रेंड को बोली मैंने कल आ जाना खेलने, अच्छा लोग इनवाइट भी कर दी, रैकेट आया नहीं, इनवाइट भी कर ली के कल आ जाना खेलने के लिए, लाएंगे ना अपने, वादा किए, हां वादा किए ना, ये देखो लाना, अल्लाह फर्स्ट का क्या देख रहे फज्जू, मेरा चांद का टुकड़ा
तू लगे चांद का टुकड़ा। चलो खाना दू, चलो चलो डन, खाना हो गया हम लोगों का। और मैंने बोला चले भी यहाँ पे वीडियो करेंगे हम लोग एंड, है ना भैया, जाके सो गए। खाना खाने के बाद नींद बहुत आती है जो तुमको, हाँ इनको नींद बहुत आती है। अच्छा मुझे ना आज है ना वो एक वो उस टॉपिक पे बात करना था, कौन सा पता है वो जो कौन सा वाला, हाँ घर वाला टॉपिक। हाँ कि ना मैंने जब बताया था ना आप लोगों को कि रूम खाली करना है, मतलब रूम खाली करना है, तो बहुत से ऐसे लोगों को लग रहा है कि ना मैं खुद से हम लोग रूम खाली कर रहे हैं। मेरे को बहुत मैसेजेस भी आए थे कि मतलब क्यों रूम खाली कर रहे, अच्छा रूम है और एक साल का अग्रीमेंट बढ़वा लो क्यों खाली कर रहे। तो मैंने सोचा चले यहाँ पे एक थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। तो रूम जो है ना हम लोग नहीं खाली कर रहे, ऑनर हमसे खाली करवा रहे। और क्यों करवा रहे फैयाज, क्यों आपके फैयाज भाई चंदे आए आए आए, थक गए। क्या हुआ क्यों करा रहे रूम खाली? हम लोग नहीं कर रहे बाबा रूम खाली, हम लोग थोड़ी करना चाहते, पागल है क्या? हम लोग रूम करेंगे एक एक साल के लिए, कौन यहाँ से वहाँ जाएगा फिर वो क्या बोलते उसको, हम लोग तो ना खर्चा हो जाता है। हम लोग तो यहाँ पे आए थे तो हमने सोचे कि अच्छा लॉन्ग टाइम यहाँ पे रहेंगे, बट मालूम नहीं था कि मतलब इतने जल्दी यहाँ से रूम खाली करना पड़ेगा। बट हम लोग नहीं कर रहे, वो लोग करवा रहे। चलो रीजन बता दूं क्या, मैं बाद में बताऊं क्या बोल रहे बच्चों? रीजन बता दूं। अच्छा रीजन ये है कि अच्छा रूम इसलिए खाली कर रहे हैं हम लोग, मतलब ओनर करवा रहे हम लोग से, डकार आ रही है, खाना खाइए। एक्चुअली ये रूम मतलब ये जो घर है ना, मतलब ये पुराना घर है ना भैया, ज्यादा मतलब ऐसा बना हुआ नहीं है, काफी टाइम हो गया है रूम को। तो अभी जो ना पीछे की दीवारें भी जो है ना नीचे से झुक रही है ना, पर जो पीछे की तरफ जो अंदर का रूम है ना हमारा, वो तरफ की दीवार जो है ना नीचे झुक रही है, पेट भर आ गया उसका। जैसे तुम्हारा। तो इसमें ना ये घर को जो है ना वो लोग रिपेयर, मतलब रिपेयर नहीं कर रहे, रिकंस्ट्रक्शन तो बनाने वाले, तो इसकी वजह से वो लोग हम लोग को खाली करवा रहे। तो इसको मतलब और सेकेंडली क्या बोल रही थी मैं तुमको, भूल गई देखें, आपके फैयाज भाई जैसा बोलते हैं ना मुझे, मैं भूल जाती हूँ। हाँ तो इसलिए वो रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे रूम को, उनको जो ना बनाना है वो शायद डबल बनाने वाले। हम लोग ने इस बारे में भी बात किए थे कि मतलब बनाएंगे तो हम लोग को देंगे क्या मतलब रूम, क्योंकि हम लोग ने ये सोचा ना कि चले अगर वो बनाएंगे तो हम लोग ही ले लेंगे नीचे का रूम, बात करके आपके फैयाज भाई जान के नीचे का रूम हम लोग को चाहिए करके। बट देखेंगे अभी क्या है कुछ, अगर वो लोग नीचे का देंगे तो नीचे का ले लेंगे, नहीं देंगे तो कहीं और जाएंगे। बट पता नहीं है एग्जैक्टली, कुछ भी नहीं पता है, बस इतना मालूम, इतना पता है कि हम लोग को खाली करना है रूम, एंड हम लोग नहीं कर रहे खाली, वो ओनर हमारे से खाली करवा रहे क्योंकि उनको घर बनाना है तोड़ के, रिकंस्ट्रक्शन करवाना है, घर बनाना है तोड़ के। हिंदी में मैंने बोल दिया उनको बनाना है। हाँ मैं मतलब मेरे को आदत है ना, मतलब मेरे को फैस मेरे मजे मत लो, मुझे आदत है ना मतलब, तो इसलिए ऐसा है। तो हाँ घर बनाना है उनको, इसलिए इसको तोड़ रहे और न्यू बनाएंगे। तो चलिए फिर अगर हमारे नसीब में रहेगा यहीं का मिलना तो मिल जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा, बाकी क्या है। लेकिन रूम नहीं खाली कर रहे हम लोग नहीं खाली कर रहे क्योंकि मतलब देखिए साल भर के अंदर कौन रूम खाली करता है, आप खुद सोचे कि इतना बड़ा रूम है, डबल रूम है अभी यहाँ पे, मुझे तुमको नींद आ रही तो तुम जाओ यहाँ से। अभी पता मैं बैठता हूँ ना तुम्हारे साथ ही यहाँ पर सामने, बस मेरा मुंह खुलते रहता बार बार। आप लोग का भी नहीं ना? नहीं, मेरे को देख के तो मुंह खुलता रहेगा। हाँ चलो फैज भाई को भी नींद आ रही, अभी हम लोग को भी नींद आ रही। अच्छा मेरी वीडियोस आप लोग पूरे पूरे देखते हो ना, सच्ची से फटाफट से मुझे कमेंट्स करके बताओ। अच्छा कमेंट्स नहीं करे कोई बात नहीं, मीनू देखो, इनको फैज कहाँ से निकली, देखो आप लोग बोलते हो ना ये नहीं दिखती है, ये आती चली जाती, आती चली जाती है, अभी मतलब इधर उधर अंदर बाहर इसका लगेगा, इसका लगेला रहता है। ए, मीनो कहाँ थी माँ तू? देखो अभी बैठ गई, मतलब उसके मूड के ऊपर है। पहले क्या ना बच्चे रहते थे ना, उसके बच्चे थे ना, तो दिन भर देरी घूमती रहती थी बच्चों के चक्कर में, क्योंकि बच्चे तो घर में रहते थे। अब बच्चे नहीं है ना तो ये पूरी दुनिया घूमती रहती है, इसका दिल जब होता तब आती है, दब दिल होता जब जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। उसके बच्चे थे ना तो यहाँ पे थी। बट मैं अभी बोल सकती हूँ क्या, क्या ना जब इसके बच्चे थे ना, मेरे को अभी भी याद आ रही है। याद आ रही है आप लोग को? याद आ रही तो कमेंट में बोलो, आप लोग को याद आ रही तो कमेंट में बोलो, मेरे बच्चे को याद आ रही है इना मीना दिखा के। चलो तो आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, ये ऐसी रहते ये खत्म करने के उसमें रहते, और नीचे भाई को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दोनों बाप बेटी सब्सक्राइब।
कीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। नहीं, इंस्टाग्राम मदीना फयाज, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है मैंने। और साथ ही में जाते जाते एक और एक मैं क्या बोल रही थी, हाँ ये वाला मैसेज जो मैंने दो दिन पहले की वीडियो डाला था ना, मेरे खाला का जो प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बहुत से लोग कंफ्यूज है कि मैंने ना वहाँ पे नंबर छोड़ा था, बट किसी ने मतलब नंबर को शायद नोटिस नहीं किया, या फिर वो लोग थोड़े से मतलब वो है मतलब कंफ्यूजन में। तो मैं वापस से मेरा फोन नंबर है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, मेरा फोन नंबर वहाँ से लेके आप लोग मुझे कॉल करना, हो सकेगा तो हाथ बटाना, ठीक है ना, तो अच्छा लगेगा मेरे को भी। बाकी चले बस वीडियो को एंड करेंगे, होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को मेरी शेयर करना, है ना। चले फिर अपना बटन दबाना ना, घंटी बटन जरूर दबा देना, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, फॉलो मदीना फयाज से, और मेरी खाला का जो प्रॉब्लम है उसके लिए प्लीज हेल्प करना, मुझे ये वाला नंबर जो मैं डाल दूँ ना इस पे मुझे कॉल कर देना, ठीक है, देना और दुआ भी देना। बूंद बूंद से बनती है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, दरिया बनता है। चले फिर अपना रखे बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मजेदार वीडियो व्लॉग रेसिपी के साथ, जब तक दुआओं में याद रखे अल्लाह हाफिज़।